विवेक शुक्ला जी हमारे बीच हैं, मैं तालियों के साथ उनका सम्मान करूंगा और आगे विराजित हूं मैं निवेदन करूंगा। मैंने पहले ही नाम ले लिया था, वो मेरे जीजा हैं, अगली बार उनसे स्पॉन्सरशिप लेनी है मुझे। तो वैष्णवी डॉक्टर के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सारे लोग बैठे हैं। सुनील चाचा जी, मैं इस होटल में आया तो एक पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी का कार्यक्रम है क्या। मैंने कहा क्यों, बोले जिस होटल में आपको उसका नाम है रमडा, तो राम का नाम कहीं भी आ जाए तो आदमी उसको बीजेपी का ही समझ लेता। तो मैंने कहा कि नहीं, बीजेपी का तो नहीं है, डर लगता है थोड़ा, कांति भैया क्या करेंगे, समझ रहे ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्यक्रम हंसी का है। हंसी खुशी आपके जीवन में आए, इसके लिए हम उपस्थित हुए हैं। हंसिएगा, हमने आदमी तनाव में है, कोरोना है, ये है वो है, मतलब कोरोना में एक जानकारी दूं आपको कि कोरोना में सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ। उसके पीछे का कारण ये था कि मेकअप ब्यूटी पार्लर बंद थे, तो घर में कोरोना से ज़्यादा खतरनाक कोरोना जैसी महिलाएं लगने लगी थी। सही बताते, बिना मेकअप का मतलब समझो ना आप, मतलब ये अलग बात है कि जो मेकअप करने वाली थी वो कोरोना क्या, वो तो बर्ड फ्लू जैसी लग रही थी, मैं सही बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन सुंदरता किसी भी चीज की मापदंड होती है। सुरेश शर्मा जी को भी कोरोना हुआ, इसलिए मैंने चीफ गेस्ट बनाया उनको, हाँ, क्योंकि 7 दिन के बाद कोरोना को सुरेश शर्मा हो गए। आपकी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में खुशी के सामने कोई दुख टिक सकता है क्या, कोई बीमारी टिक सकती है क्या, दीक्षित सर, नवल सर, कोई टिक सकता है क्या। सुरेश शर्मा एक ऐसा नाम है, उनको देख करके बच्चे डरते हैं, ये अलग बात है। मैंने कहा चाचा ये आंख बाहर हो गई है, बाल झड़ गए हैं, बोले शादी के 50 साल पूरे होने दे तेरे, तू मेरे से भी खतरनाक दिखेगा। तो उसके ऊपर साइड इफेक्ट जो है वो ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने खाली भूमिका के लिए मैं था। कविता क्या है, कविता का परिचय हमारा खानदान कराता है तो कहता है, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आनंद में बड़ी हुई, कभी केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में मढ़ी हुई, जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मढ़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो बेटी पावन कविता कहता है। कविता अपना परिचय देना चाहती है, कविता अपना काम करना चाहती है। कोरोना ठीक है, होते रहता है, होना भी चाहिए, आदमी स्वावलंबी हो गया कोरोना काल में, मीना सर दाढ़ी बनाना सीख गया, बाल काटना सीख गया। पहले ताना माना भी मारा जाता था कि मेरे पति कॉर्पोरेट हेड हैं, मेरे पति ये हैं वो हैं, अब ताने तक बदल गए, मेरे पति अच्छा झाड़ू लगा लेते हैं, मेरे पति अच्छा पोछा लगा लेते हैं, ना, अब ताने तक आप दिया बदल गए, मैं पता था वहाँ लोगों को। लेकिन ताने बदले या ना बदले, महफिल में खुशी के गाने अपने आप में अपनी जगह बनाए रखें, इसके लिए मैं एक शख्स को आमंत्रित करता हूँ। उसने 5 साल के कैरियर में इतनी लंबी ऊंचाई तय कर ली कि नाशा नशे में है कि इतना लंबा काम हुआ कैसे। हाँ, रोहित शर्मा मारवाड़ी है, मारवाड़ी आदमी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। मारवाड़ी की अपनी एक खासियत होती है, मारवाड़ी आदमी अद्भुत आदमी होता है। अच्छा, ये घर पे जाओ ना किसी मारवाड़ी के, तो वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा वो ऐसा स्वागत में हम कैसे पूछते हैं सर क्या लाऊं क्या, मारवाड़ी ऐसा नहीं बोले, मार खाना खा के आए हैं आप, ये नहीं बोलेगा खाना खाओ, वो पूछेगा खाना खा के आए हैं क्या, मतलब मतलब मनीष शमाल जी भी हंस रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, वो तो खिलाना छोड़े 4-5 जन को बाहर खिलाते हैं ले जा करके, तो बोले चलो खाते खाना खाते हैं। वो तो उनका इंटरव्यू बस वो ये दे देता ना भाई, तो वो पूछता है भारत नहीं खोजता है भारत होता, कोरोना को खोजता है, बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। अभी बीबी की बात कर रहा था मैं, बताऊं आपको, मैंने आदरणीय विवेक शुक्ला जी से पूछा कि आदमी की औरत से शादी होती है तो आदमी औरत के गले में मंगलसूत्र लटक रहा होता जिसे पता चलता है उसकी शादी हो गई है, ये आदमियों का कैसे पता चलता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आदमी का मुँह मंगलसूत्र जैसा लटक रहा हो उसकी शादी हो गई है। तो सबका अपना अपना परिचय देने का अपना अपना तरीका है। हमारे बीच जीतन चौहान जी हैं,
वो ट्रैफिक में है। मुझे याद है कि एक बार वो चेकिंग पे थे, वो पाइप होती है जो दारू पिया है कि नहीं पिया है ड्राइवर चेक करने वाली, तो मेरे ही मुंह में डाल दिया, मैं पीता नहीं। तो लाल हरी बत्ती जल रही है तो मेरे मुंह में पहली बार वो पाइप गई थी, तो मैं जानना चाहता था कि ये कैसा लाल बत्ती जलती है। तो मैंने जीतू सर से बोला कि सर ये लाल बत्ती कैसे जलती है, तो उन्होंने बोला कि पांडु इकड़े हो रहा, ये फूक मार के बता इसको। मतलब पांडु पी सकता है लेकिन हम पी नहीं सकते हैं, बस इतनी सी बात है। पुलिस को सारी छूट है, लेकिन हमारे बीच में जैन मैडम है, कांति सर, बड़ा बहुत बड़ा काम, महिलाओं का काम बड़ा ही होता है, छोटा होता ही नहीं है, ऐसा मेरा निजी मानना है। और राज भैया भी जानते हैं, शादी हो जाना अपने आप में जीवन का, जीवन में सुख ही सुख सब कुछ नहीं है कांति जी, शादी भी होनी चाहिए। मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपको एक कविता सुनाता हूँ जो मेरे गाँव का संबंध रखती है, मेरे गांव के प्रकरण के संबंध रखती है। मेरे गांव से मैं कितना अटैच हूँ, मैंने सुरेंद्र जी से भी निवेदन किया था कि न्याय मिलना चाहिए, और उन्होंने उसके लिए मुझे सहयोग करने का वादा भी किया था। मैं बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूँ, इसमें हो सकता है हास्य कम हो लेकिन पीड़ा बहुत होगी इसके अंदर। मीणा सर सुनिएगा कि फटी धोती नंगे पाँव एक मजदूर, श्रीमाली जी फटी धोती नंगे पाँव, कविता कुछ नहीं, कविता का रंग आप पर चढ़ेगा तो हम बार बार नहीं कहेंगे कि आप ताली बजाओ, क्योंकि यह रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, यह रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो अनूप जलोटा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, यह रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, यह मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, यह रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया, यह रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और आज 26 जनवरी तक कहता हूं ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया कि मेरा रंगे बसंती चोला माहे, मेरा रंगे बसंती चोला। तो कविता का है क्या महसूस करेंगे तो आप पेपर चढ़ करके बोलेगा। मैं आप दोनों जन को रुका के रखा है क्योंकि ये आप सुरेंद्र शर्मा जी के साथ फोटो चाहते हैं, इनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है इनको सुंदर चेहरा नजर नहीं आता यहाँ पर, लेकिन सुरेश शर्मा हाँ नहीं अच्छा इसीलिए चाहते हो। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक कविता जो मेरे गांव के मिट्टी ने मुझे सौंपी है, और मेरे मिट्टी का दर्द स्याही में उतर करके कागज पर आया है, और वो कागज मेरी जबान पर चढ़ गया। मैं कविता सुनाता हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी सुनिएगा कि एक मजदूर फटी धोती नंगे पाँव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे, अम्मा बताती हैं कि राम धनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। हमारे गांव में पिछले उपाय क्या होते थे, राम धनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, अगली दो पंक्तियों पर हाथ खड़े हो जाएंगे आपके, जो कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। मजदूर बोला हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो खुद अपने आप में एक प्रमाण है। ऐसी सोच रखने वाले पाषाण है, राम तो खुद अपने आप में प्रमाण है, बना दीजिए ना दया खाके, अगर आपने बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके, राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अरे अधिकारी बोला एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान हे भगवान उनके पास नहीं जाऊंगा, अगर गया तो वापस नहीं आऊंगा। अधिकारी बोला वापस नहीं आएंगे। अरे बोले हुजूर अम्मा बताती हैं कि वो हमारा सड़क खा गए, हमारा शौचालय खा गए, हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई कहानी है, हम आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। आप खुद ही सोचें अगर वो ये सब कुछ खा गए तो क्या मुझे जिंदा छोड़ेंगे। गांधी सर वो जिंदा छोड़ेंगे, वो सब कुछ खा गए तो मुझे क्या जिंदा छोड़ेंगे।
हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे। एक मजदूर का दर्द सुनिएगा, हुजूर रमई काका ठीक ही कहते थे कि जो मजदूर जो किसान अपने शहर को गढ़ता है उसे मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी दो चार बार मरना पड़ता है। उसे मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी दो चार बार मरना पड़ता है। लेकिन हुजूर एक बात कान खोल करके सुन लें, जिस राज्य में मजदूरों और किसानों को सुनी जाएगी वहीं बीज उगेगा, बाहर आएगी। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जंग का प्रमाण पत्र था। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।